मिया ऐसा करो, बैठ जाओ। पान खाएंगे मिया? जी नहीं। भोपाल का बहुत ही मशहूर पान है मिया, मुझे पता है। हम खाएंगे पान। आप पे तो मुझे शक हो रही है, आप दोनों भी बादशाह अकबर की तरफ से आए हो? नहीं नहीं मिया, हम तो बाजार की तरफ से आए हैं मिया। और आपका वो बाजार है? बीमार घोड़ों का अस्तबल लगता है। आपके शहर को बाजार हम बना कर देंगे। अच्छा मिया, तो आप हमारे शहर को बाजार बना के देंगे? बिल्कुल, शाही खून है हम। हम एक बार जो कह देते हैं तो कर देते हैं, लेकिन हमें बाद में आप याद दिला दीजिएगा, क्योंकि हम भूल भी जाते हैं। आप ऐसा करिए, आप दोनों यहीं आराम फरमाइए। लेकिन बलदेव जी और बीरबल जी, ऐसा कौन से संगीन गुनाह की है कि बादशाह अकबर ने ऐसा फरमान देकर आपको यहाँ भेजा है मेरे पास? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हुजूर, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि बादशाह अकबर ने ऐसा किया क्यों? हुजूर, अगर बादशाह अकबर ने ये फरमान दिया है तो जरूर सोच समझ के ही दिया होगा। बिल्कुल सही फरमान है मियां, आप जब बादशाह अकबर ने ये सब फरमान दिया है तो मैं कौन होता हूँ उसमें दखल देने वाला? अरे आप शेरशाह बहादुर हैं, आप भूल गए? नहीं 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 नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि बादशाह अकबर के फरमान में दखल देने वाला मैं कौन होता हूँ? आप शेरशाह बहादुर हैं तो दखल भी आप ही देंगे ना, आप शेरशाह बहादुर है। क्या कोई ले जाओ जानने को, मैं बता रही हूँ। सुनिए सुनिए, हमारी बात सुनिए, आप दखल दे दीजिए। अब दखल देकर हमें देश निकाला दे दीजिए और फांसी इन्हें दे दीजिए। ऐसी कैसी बातें कर रहे हो मियां? देश निकाला नहीं, मैं तो आपको दुनिया निकाला दूंगा। अभी आपके पास वक्त है, अगर सही वक्त पे आपको अपना जुर्म याद आ गया तब तो ठीक है मियां, वरना जैसे चलती हवा में पेड़ से पत्ते हिलते ना मियां, वैसे मैं आपको फांसी के फंदे पर झुलाऊंगा मियां, मैं बता रही हूँ। हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो हम कुछ कहें। वक्त तो बहुत कम है मियां तुम्हारे पास, और अभी इजाजत मांग रहे हो, चलो बोलो। हुजूर, पूरणमासी में सिर्फ 2 दिन बचे और हम दोनों के पास जीने के लिए भी 2 ही दिन है। और हम दोनों ये नहीं चाहते कि आप हमारे आखिरी के 2 दिन हमें किसी कैद खाने में रखें या फिर बंद कमरे में रखें। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपका ये महल देखना चाहेंगे, बाहर घूमना फिरना चाहेंगे और आपके भोपाली लोगों से बात करना चाहेंगे। ठीक है मियां, घूम लो जितना घूमना है हमारे भोपाली में है, लेकिन याद रखना भागने की कोशिश ना करना मियां, मैं बता रही हूँ। हुजूर, हम आपको वचन देते हम यहाँ से भागेंगे नहीं। बनने का हुजूर? मियां चिपक लो इन दोनों के साथ तुम तो। जी हजूर। बीरबल जी कहां रह गए? पता नहीं कहां कहां चले जाते, समझ में नहीं आता। बीरबल जी आ गए, आइए आइए। बेटा उठो, बेटा बैठने दो, आइए आइए। बीरबल जी ये करिए, बैठिए बैठिए, पानी पानी चाहिए पानी, ये लीजिए पानी पीजिए, टहल के आए होंगे। वहां भी टहलते थे, यहाँ भी टहलते हैं। मोर पक्षी तो देख लिया होगा, खरगोश के साथ खेल लिया होगा, खुश। यहाँ जान निकली जा रही है और आपको टहलने की पड़ी है। अरे बीरबल जी, भागने की तरकीब सोचिए, तरकीब। बलदेव जी, हमने शेरशाह बहादुर को वचन दिया है कि हम यहाँ से भागेंगे नहीं। मुझे पता है, हम भागेंगे नहीं, हम चल चल के जाएंगे। चुप रहो बेवकूफ। वाह वाह, क्या बात है, गर्दन जाए पर वचन न जाए। बादशाह अकबर ने भी क्या खूब मौत के मुंह में भेजा है, एक जान का दुश्मन और 2 अकल के दुश्मनों के साथ। बीरबल जी, देखिए पिताजी सलीम भाई साहब के साथ साथ आपको भी अकल का दुश्मन कह रहे हैं। मामूजान, शाही खून है हम, और अब्बा हुजूर ने बहुत समझदारी का काम किया जो हमें आपके साथ यहाँ भेज दिया, क्योंकि एक हम ही हैं जो आपको यहाँ से रिहा करवा सकते हैं।
वो कैसे? आज रात को सभी सिपाहियों के सोने के बाद हम आपको महल की सीढ़ियों से ऊपर छत पर ले जाएंगे और फिर वहां से महल के बाहर फेंक देंगे आपको। क्या मतलब? आप वहां से छलांग लगाकर महल के पीछे वाले रास्ते से भाग जाना। शहजादे सलीम, इस महल की छत चौथे मंजिल के ऊपर है। अगर आप बलदेव जी को वहां ले गए और आपने इन्हें धक्का मार दिया, या फिर बलदेव जी ने वहां से छलांग भी लगाई, तो वो नीचे नहीं सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन फांसी से तो बच जाएंगे ना। शहजादे सलीम, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? बादशाह अकबर तो दो दिन बाद मारना चाहते थे, आप तो अभी हमारा काम तमाम करना चाहते हैं। इस महल से भागना नामुमकिन है, क्योंकि महल के दाएं और जंगल, बाएं और दलदल, पीछे नाला और आगे फौज खड़ी है। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि हम बाहर टहलने नहीं गए, नहीं मोर पक्षी देखने और खरगोश के साथ खेलने, हम तो महल के चारों ओर मुआयना करके आ रहे हैं। बादशाह अकबर ने तो हमें बहुत बुरा फंसा दिया। समझ में नहीं आ रहा उन्होंने ऐसा किया क्यों। क्या रानी साहिबा, किया क्यों, किया क्यों, किया क्यों? अरे बता तो दिया आपको, हमने जो कुछ भी किया वो बलदेव और बीरबल का इम्तिहान लेने के लिए किया, ताकि साबित हो जाए कि राजा का पंजा बनने का सही हक किसका है। आज तक हम आपको एक होनहार, काबिल और समझदार बादशाह समझते थे, लेकिन नहीं, आप तो निर्दयी और कठोर दिल निकले। अरे आप चिंता मत कीजिए रानी साहिबा, बलदेव के साथ बीरबल है वहां पर, और बीरबल वो बला है कि अगर यमराज भी आ जाए तो उनका भी क्रियाकर्म करके उन्हें वापस भेज दे। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमें पूरा यकीन है कि बीरबल वहां से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। वाह वाह वाह, और अगर बीरबल का दिमाग नहीं चला तो हमारे भाईसा की गर्दन चली जाएगी। छोड़िए, क्या छोड़ दे, क्यों बहस करना छोड़िए और ये फैसला लीजिए कि आने वाले दो दिनों में इस फरमान को कैसे टाला जाए। जहां पना, भेज दीजिए उन वफादार कबूतरों को फौरन, क्योंकि मुश्किल में है हमारे मित्र का जीवन। कबूतर, वो कबूतर जाएंगे एक दिन में फरमान पहुंचाने। अरे कितनी बार कहा है आपसे कि 14वीं सदी के कबूतर निकालकर 16वीं सदी के कबूतर ले आए, लेकिन हमारी सुनता कौन है? पर उससे क्या फर्क पड़ेगा, 14वीं सदी को या 16वीं सदी के कबूतर तो कबूतर है, उड़ के ही जाएंगे ना, और तेजी से तो नहीं उड़ेंगे। अरे हम ये कहना चाहते हैं कि समय के साथ आप कब चलेंगे। समय से पहले हमारा मित्र चल बसेगा, उसके गले में फांसी देकर लटकाया जाएगा। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे मायके में अगर ऐसा फरमान दिया जाता तो उसे उल्टा लटका कर फांसी दे देते। वो कैसे? आप जाइए हमारे मायके और उल्टा लटक जाइए, आपको पता चल जाएगा। नहीं 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 नहीं, हम भी जानना चाहेंगे उल्टा लटका कर कैसे फांसी दे सकते हैं। नहीं मतलब पैर ऊपर है, सर नीचे है, तो फांसी कैसे देते? नीचे बैठ के यूं खींचते हैं नीचे से, है यूं यूं। एक बार करके देखते हैं, चलिए करके देखते हैं। करके देखते हैं। छोड़िए, यूं वक्त जाया करना छोड़िए, वहां किसी की जान चली जाएगी और हम बिना शादी के ही विधवा हो जाएंगे। हमारा मतलब है कि बीरबल जी की शादी नहीं हुई है, उनकी होने वाली पत्नी के बारे में सोचिए, उन पर क्या बीतेगी। लो, इन्हें अभी तक जो है नहीं उनकी परवाह है। क्या तुम्हारा कोई भाई मर रहा है? हमारे भैया है और हमारे सैया। सैया नहीं जापना, सही है, सही है, रानी साहिबा बिल्कुल सही कह रही है। हे भगवान, कोई ना कोई चमत्कार कीजिए और उन दोनों को बचने का रास्ता दिखाइए। चलो, दाएं जाएं या बाएं, दाएं जाएं या बाएं, इस अंधेरे की वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शहजादे, दाएं चलो चाहे बाएं चलो, कहीं चलो, क्या पूरी रात यहीं गुजारनी है? रुकिए,
हमें कुछ सोचने दीजिए। अब सोचने भी लग गए? हाँ हाँ, बेटा बासु बता रहा है किधर जाना है। बेटा बोलो किधर जाना है। नहीं वासु, नहीं वासु, हम सुरंग नहीं खोज सकते। सुरंग? अरे शहजादे, तुम्हारी तलवार वासु को लगी है। वो तो बोलना चाहिए था ना, चिल्लाना चाहिए था जब हमारी तलवार ऐसे लगी थी। चुप रहो। देखो वासु, तेरी वजह से हम फंस गए। आपकी वजह से? तेरी वजह से। आपकी वजह से? तेरी वजह से। आपकी वजह से? चले, कहाँ चलना है? कारागृह। मियां, मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं आ रही है कि तुम लोग भागे क्यों। मुझे गुस्सा इस बात पे आ रही है कि इतनी रात को चीखे क्यों। अभी अभी मैं अपने मुन्ने मियां को सुला के सोया था और आपके शोर शराबे उन्होंने फिर से जगा दिया। हमारी वजह से नहीं जागा है वो, इस वासु की वजह से जागा है। और भला हम क्यों चीखने लगे, शाही खून है हम। और आपने तो सुना होगा कि शाही खून को कभी दर्द नहीं होता। लेकिन तुम्हारी बातों से मेरे सर में दर्द हो रही है। हाँ तो ठीक है, मामू जान से बोलकर आपके सर की मालिश करवा देते हैं। नहीं। तो फिर इस वासु से? हमने कही नहीं। पर अभी तो आपने कहा आपके सर में दर्द हो रहा है। हाँ, वो तो हो रहा है। पर अभी तो आपने कहा नहीं हो रहा। हमने कही कि सर में दर्द हो रहा है लेकिन हमें मालिश नहीं करा रही है। किसकी? सर की। किसके? मियां बता रहे, इसको हटा दो मेरी नजर के सामने से। माफ कर दीजिए बहादुर शेर जी। शेर साहब, बहादुर जी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ऐसी कैसी माफी मांग रहे हो? सजा तो मिलेगी और जरूर मिलेगी। आपने हमारे मुन्ने मियां को जगाया। मियां, 1000 कोड़े लगवाइए इन तीनों, मैं बता रही हूँ। और मियां, बीरबल कहाँ गायब हो गए? कहीं भाग तो नहीं गए मियां? हुजूर, वो तो अपने कमरे में आराम से सो रहे थे, हमने उनको भी बुलवा भेजा है। आंटी जी, हुजूर का इकबाल है बुलंद। मियां बीरबल, गर्दन तो तुम्हारी भी खतरे में थी, पर तुम भागे क्यों नहीं? हुजूर, हम यहाँ भागने थोड़ी आए, हम तो यहाँ फांसी पे लटकने आए। कैसी बातें कर रहे हो बीरबल? कहना तो नहीं चाहते थे लेकिन जुमा से बात फिसल ही गई। हुजूर, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि बलदेव जी भागने की कोशिश कर रहे थे? अरे हुजूर, नहीं 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 नहीं, देखिए इनके चेहरे को, ऐसा लगता है कि ये भागने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे, दरअसल इन्हें नींद में चलने की बीमारी है। दिल्ली में भी कई बार ये रात में निकल लिया करते थे, नींद में चलते चलते छत पर पहुंच जाते थे। हम सब डर जाते थे कि अब ये कूदेंगे, पर ये कूदते नहीं थे, सुबह होते ही अपने आप नीचे उतर आते थे हुजूर। है ना? है ना? क्या ये सही बोल रहे बलदेव जी? बलदेव जी, हमारे हाँ में हाँ मिलाइए वरना कोड़े पड़ेंगे। बीरबल जी सही कह रहे हैं। देखिए कि अब रात बहुत हो चुकी है और हम दोनों को नींद भी आ रही है, और क्या है कि 2 दिन बाद हमें फांसी भी चढ़ना है। हुजूर, एक बात बताइए, हमारे बादशाह अकबर जो हैं, वो फांसी पर लटकाने से पहले लटकने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करते, तो क्या बादशाह अकबर की तरह आप भी? अरे मियां, जब आपके शहंशाह मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करते थे तो हम भी करेंगे। बताइए क्या है आपकी आखिरी इच्छा? हुजूर, हमारी आखिरी इच्छा बस इतनी सी है कि हम दोनों को फांसी पे ऐसे लटकाया जाए, ऐसे लटकाया जाए कि देखने वाला भी देखकर बोलेंगे, वाह मियां क्या लटक रहे दोनों। मेरी कुछ नहीं समझ में आ रही है मियां, तो क्या आप ये चाहते कि हम अपने हाथी घोड़ों पर बिठा कर आपको ले जाएं और आपको फांसी पे चढ़वा दें? अरे नहीं हुजूर, हाथी घोड़े पर नहीं,
हम बस इतना चाहते हैं कि फांसी पर लटकाने से पहले आप हम दोनों को शाही स्नान देकर, हम दोनों पर इतर वितर छिड़क कर हमें फांसी पर लटका दिया जाए, है ना? और हुजूर, हम खेलना कूदना चाहते हैं। मिया, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। मुझे लग रही है कि मुझे अपने वैद्य को बुलाकर आपके दिमाग की जांच करानी पड़ेगी। मिया, कहीं ये बुरी संगत का असर तो नहीं है? नहीं नहीं हुजूर, आप बस हमारी आखिरी इच्छा पूरी करने की तैयारियां कीजिए। इन दोनों की आखिरी इच्छाएं पूरी कर दीजिए। जी हुजूर। वासु, ये मैंने बांधी पट्टी। हाँ, अब घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ। वासु वासु इधर पकड़ो। वासु इधर 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 इधर। हाँ वासु वासु। बेटा वासु। सलीम भाई साहब, सलीम भाई साहब पकड़ लिया। फांसी का फंदा तैयार है, चलिए हमें फांसी पर लटका दीजिए जल्दी जल्दी। बिरबल जी, आपको हमेशा जल्दी रहती है, फांसी पे हम चढ़ेंगे। बलदेव जी नहीं, फांसी पे पहले हम चढ़ेंगे। नहीं, हम चढ़ेंगे बिरबल जी, हम चढ़ेंगे बिरबल जी, हम चढ़ेंगे, हम चढ़ेंगे, हम चढ़ेंगे, हम चढ़ेंगे, हम चढ़ेंगे। पहले के ये दोनों नमूने काम थे मियां, जब तुम दोनों भी इसमें शामिल होगे, मैं लटकूंगा, मैं लटकूंगा। कोई झूला है क्या? फांसी का फंदा है मियां, फांसी का फंदा। मेरी तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रही है कि मरने में किसी को इतनी खुशी कैसे हो सकती है। ये हम आपको नहीं बता सकते। बताना तो पड़ेगा मियां। नहीं बता सकते। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, बताना पड़ेगा मियां। अगर आप हमसे वादा करते हैं कि आप हमें पहले फांसी पर लटकाएंगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, वादा किया। पक्का? हाँ पक्का मियां, लेकिन ये तो बता दो मरने के लिए इतने बावली क्यों हो रहे हो? वो क्या है हुजूर, कि हमारे राज ज्योतिष ने ये भविष्यवाणी की है कि दिल्ली से भोपाल आकर पूरन मासी के दूसरे पैर जो भोपाल में फांसी पर लटकेगा वो अगले जन्म भोपाल का राजा बनेगा। कह रहे हो मियां? सच कह रहा हूँ हुजूर। हुजूर, आपने हमसे वादा किया है पहले फांसी पर हमें लटकाएं। नहीं बीरबल जी, हम वजीरे आजम है इसलिए फांसी पर लटकने का अधिकार हमारा है। अरे वजीरे आजम होंगे आप दिल्ली में, फांसी पे पहले हम लटकेंगे, हम लटकेंगे, हम लटकेंगे, हम लटकेंगे। खामोश खरगोश, भोपाल का राजा मैं हूँ। अभी अभी नए वारिस ने घर में कदम रखा और ये दोनों पहुंच गए उसका हक छीनने। मैं शेरशाह बहादुर ये फैसला करता हूँ कि कोई भी फांसी पे नहीं चढ़ेगा। बनने मियां, इन दोनों नमूनों को ले जाओ और राज्य की सीमा के बाहर छोड़ो। और ध्यान रखना मियां, ये दोनों जान देने की कोशिश न करने पाए। जरूर, पूरा ख्याल रखा जाएगा। अबे मियां, मैं राजा बनूंगा। राजा के पंजे, राजा बीरबल की जय। राजा बीरबल की जय। राजा बीरबल की जय। वाह बीरबल, वाह 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 बीरबल, हमें आपसे यही उम्मीद थी। रानी साहिबा, हमने आपसे कहा था ना, राजा का पंजा बनने का अगर किसी को हक है तो वो है सिर्फ बीरबल को। आज बीरबल की वजह से बलदेव यहाँ पर जिंदा खड़े हैं, वरना यमराज का भैंसा आपके भाईसा को लेकर हमें आप पर फक्र है बीरबल। कभी भी नहीं पता चलेगा। आवाज है आती है रोर से। I thought we said saying baby doll. कारागृह, हमें पता है कारागृह कहाँ है, हमारे महल की तो नकल करी है। चलियो सिपाहियों,
चलियो तू राजा बनेगा तो मैं क्या पकड़ी है।